जिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामने शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 से सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। आप देखिए, दिया हुआ है प्रूफ दैट वाई इज इक्वल टू 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus cos theta इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। देखिए, 0 to π/2 जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो हमें प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके लिए हमको डिफरेंशिएशन करना होगा और डिफरेंशिएशन यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे क्योंकि यह थीटा है। तो अब देखें, ये हो जाएगा dy/dθ इज इक्वल टू यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4 और यहाँ देखें डिनोमिनेटर 2 plus cos theta इंटू डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस न्यूमरेटर sin थीटा इंटू डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर देखें तो 2 का डिफरेंशियल कोफिशियंट 0 हो जाएगा और cos का डिफरेंशियल कोफिशियंट जो होगा ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अपान होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 plus cos theta का स्क्वायर और माइनस, देखिए यहाँ थीटा है तो थीटा का डिफरेंशियल कोफिशियंट जो होगा ये 1 हो जाएगा। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया dy/dθ इज इक्वल टू 4। अब यहाँ cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 cos theta प्लस हो गया cos स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस, और sin थीटा प्लस sin थीटा ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और फिर ये हो जाएगा 2 plus cos theta स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ आप देखें, ये cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका dy/dθ इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा आपका 2 cos theta और प्लस हो जाएगा 1, और फिर ये नीचे है आपका 2 plus cos theta का स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फिर ये देखें dy/dθ, और एक चीज़ बता दें आपको कि dy/dθ जो होता है यही एफ डैश होता है, तो इसको एफ डैश यक्स न लिख करके एफ डैश थीटा लिखेंगे। ये हो गया आपका, देखिए 4 का हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 cos theta और प्लस हो जाएगा 4 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 में, तो माइनस हो गया 2 plus cos theta होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये आपका 2 plus cos theta स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखें एक स्टेप और हम देखते हैं, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 8 cos theta plus 4 माइनस, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस हो गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा ये 4 cos theta और नीचे ये आपका रहेगा 2 plus cos theta का होल स्क्वायर। देखें हम चाहे तो माइनस का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और फिर देखें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को हम यहाँ इस साइड में लिख देते हैं और फिर देखें इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, देखें ये यहाँ देखिए 4 minus 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब ये है आपका 8 cos theta minus 4 cos theta, तो ये हो जाएगा 4 cos theta
और माइनस हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और अपान हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब एक बात जरा ध्यानपूर्वक देखें, थीटा इज प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो कॉस थीटा की अगर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर हम रखें और सपोज कीजिए कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू 1 है, तो ज़रा देखें अगर कॉस थीटा के जगह पे 1 कर देंगे तो ये 4 × 1 और माइनस ये 1 का स्क्वायर और 2 + 1 स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और पॉजिटिव आ जाएगी तो एफ डैश थीटा जो होगा इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड यू नो दैट इफ सॉरी ये 0 > 0 एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन 0, इफ एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन 0 देन द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये जो फंक्शन होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, प्रूफ दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन। हम सपोज कर लेते हैं कि कोई लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो लॉग एक्स है, तो अब लॉग एक्स को हम fx इमेजिन कर लेते हैं, इज इंक्रीजिंग ऑन 0 ∞, यानी यहाँ जो भी वैल्यू होगी 0 और इनफाइनाइट के मिड में होगी। तो आपको मालूम है कि 0 से जो भी वैल्यू होती है, 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अब जो है यहाँ पर यानी x की जो भी वैल्यू हम रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो अब हम f डैश x की वैल्यू फाइंड करें तो डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ log x इक्वल टू 1/x। अब यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, सपोज कीजिए x इक्वल टू 1 बिकॉज 1 इज इन बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, देन वैल्यू ऑफ f डैश x इक्वल टू 1/1 इट मीन्स इक्वल टू 1, हेंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे f डैश x की जो वैल्यू है वो 0 से अधिक है और अगर 0 से अधिक है इट मीन्स दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट 0 ∞। हेंस क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्वड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है प्रूफ दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, फंक्शन एफ जो है दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1, 1, यानी -1, 1 के बीच में ये न तो डिक्रीजिंग होगा और न ही इंक्रीजिंग होगा। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं, अगर हम नंबर लाइन का यूज करें तो देखिए ये पॉइंट जो है अगर -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट जो है अगर +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज़रा देखते हैं यहाँ से f डैश यक्स की वैल्यू आप फाइंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x - 1। अब फिर क्या करेंगे, f डैश x को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू हो गई 1/2। अब देखिए 1/2 इज इन बिटवीन -1 to +1, तो अब ये जो है 1/2 हम यहाँ जो है एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ देखें 2 इंटरवल मिल रहा है, फर्स्ट इंटरवल -1 to 1/2 एंड सेकंड इंटरवल इज 1/2 + 1। तो अब जो है यहाँ देखते हैं फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल पर यहाँ वैल्यू देखी जाए कि ये वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब देखें इन इंटरवल, ये फर्स्ट इंटरवल -1, 1/2
हम कोई ऐसी वैल्यू लें यक्स की, कोई ऐसी वैल्यू लें जो इन दोनों के बीच में माइनस वन टू वन बाई टू के बीच में हो। तो अगर हम ज़ीरो ले लेते हैं तो ज़ीरो जो है माइनस वन और वन बाई टू के बीच में होगा। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ज़ीरो अगर हम पुट करते हैं तो देखें ये वैल्यू एफ डैश यक्स इज इक्वल टू टू इंटू ज़ीरो माइनस वन, यानी ज़ीरो माइनस वन यानी ये माइनस वन हो जाएगा। एफ डैश यक्स की वैल्यू हो गई माइनस वन, तो माइनस वन इट मीन्स एफ डैश यक्स इज लेस देन ज़ीरो। हेंस वी कैन से दैट एट द इंटरवल माइनस वन टू वन बाई टू गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड इंटरवल पर वन बाई टू टू वन देखते हैं। तो अब देखें वन बाई टू टू वन हम देखें तो ये देखिए वन बाई टू का मतलब पॉइंट फाइव हुआ, तो ये हो गया ज़ीरो पॉइंट फाइव टू वन। अब इसके बीच अगर इंटरवल हम देखते हैं तो ये 0.6 अगर नोट कर लेते हैं तो 0.6 को हम कर देंगे 6/10, यानी 2 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। यानी हम 1/2 और 1 के बीच जो पॉइंट ले रहे हैं वो 3/5 ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इफ़ यक्स इज इक्वल टू 3/5, यक्स की वैल्यू हम 3/5 रख रहे हैं तो फिर देखें क्या मिलेगा आपको। एफ डैश यक्स इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ यक्स 3/5 माइनस 1, फिर देखें क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 6/5 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6-5/5, यानी ये हो जाएगा 1/5। 1/5 इज ए पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स एफ डैश यक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। हेंस फॉर दिस इंटरवल 1/2 to 1 द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ज़रा देखें तो टोटल इंटरवल -1 to +1 है, तो ये हाफ इंटरवल के लिए वैल्यू डिक्रीजिंग आ रही है और हाफ के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। हेंस द टोटल फंक्शन फॉर द इंटरवल -1 to +1 द गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं हमें उम्मीद है कि आप सबको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।